राजस्थान के भूगोल में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान में मरुस्थलीकरण। राजस्थान और मरुस्थलीकरण की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के साथ में मरुस्थल की प्रक्रियाएं सतत रूप में जारी हैं और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, मुख्य रूप से जैसलमेर जिले का जो पश्चिमी भाग है, पूर्ण रूप से मरुस्थल में है। अगर हम मरुस्थलीकरण की अगर बात करें तो मरुस्थलीकरण जो है वो एक प्रकार की प्रक्रिया है। प्रक्रिया किसके लिए है कि यह प्रक्रिया मरुस्थली दशाओं का विस्तार करती है। किसी भी क्षेत्र में मरुस्थलीकरण की जो प्रोसेस है वो मरुस्थली दशाओं के विस्तार के लिए जानी जाती हैं। और यह जो प्रक्रिया है मरुस्थलीकरण की, अगर हम राज्य में बात करते हैं तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में यह प्रोसेस बहुत ही तेजी से हो रहा है। जहाँ वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम होती हो, ऐसे क्षेत्रों में जो मरुस्थलीकरण का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज गति से है। जो मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें प्रकृति और मानव दोनों का बखूबी योगदान है। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो क्योंकि मानव अपने उपयोग के लिए प्राकृतिक पदार्थों का शोषण प्राचीन से करता आया है और अपनी अपने जीवन स्तर को उठाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव ने प्रकृति का अविवेकपूर्ण दोहन किया है और उसी का परिणाम है कि यहाँ मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया काफी तेज है। प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन में पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में जो वर्षा की निरंतरता और समय और दिन दोनों ही घटे हैं और इनके घटने के कारण से धीरे धीरे इस मरुस्थलीकरण का प्रभाव ऐसे क्षेत्रों में होने लग गया जहां अच्छी कृषि भूमि है। कुछ आंकड़े कहते हैं कि पहले पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा कम होती थी, लेकिन 1995 से 2000 के आंकड़े बताते हैं कि अब इस अवधि में पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा अधिक और पूर्वी क्षेत्रों में कम। इसका मतलब जलवायु परिवर्तन। दूसरा, वर्षा की कमी के कारण तो भूमिगत जल में गिरावट आती है। जैसे जैसे भूमिगत जल में गिरावट आएगी तो उस क्षेत्र में, उस धरातल में, उस भूमि में नमी वो समाप्त होती चली जाएगी। जैसे जैसे वो नमी नीचे की तरफ जाएगी वैसे वैसे वनस्पति का आवरण कम होता चला जाएगा। इसमें अगर मानवीय कारण हम और भी गिनाएं तो अति पशुचारण,
वनों का अति दोहन, ये मुख्य वजह बनती हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से भूमि में कटाव प्रारंभ हो जाता है, भूक्षरण होता है, आपर्दन की क्रिया तेज हो जाती है और वायु आपर्दन से मृदा या रेतीली मृदा उन क्षेत्रों तक पहुंच जाती है और उन क्षेत्रों में टीले बन जाते हैं जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मृदा होती है। तो मानव ने अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो अविवेकपूर्ण जो दोहन किया है, मुख्य रूप से राजस्थान में भूगर्भ वेताओं ने भी यही माना है कि जो राजस्थान का जो मरुस्थली भाग है इसमें जो सर्वाधिक योगदान रहा है वो मानव का रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि एक प्रश्न किया कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण कैसे हुआ, तो भूगर्भ वेताओं की अगर हम माने तो उन्होंने बताया कि लगभग 7000 वर्ष पहले यहां मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था, मरुस्थल की जगह समुद्र था और समुद्री जो जीवों के अवशेष और समुद्री जो खनिज हैं वो इस मरुस्थलीय क्षेत्र में समुद्र होने का प्रमाण प्रस्तुत भी करते हैं, क्योंकि इस मरुस्थलीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल और समुद्री जीवों के अवशेष आदि की जो प्राप्ति होती है वो समुद्र होने के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब राजस्थान में यह मरुस्थल पहले से नहीं था। इस भाग में या इस क्षेत्र में जहां समुद्र था वो लाखों वर्ष पहले यह भूभाग समुद्र से ऊपर उठा और समुद्र से ऊपर उठने की वजह से समुद्र पीछे हटा। यहां जलवायु परिवर्तन हुए, नमी होने के कारण से इस क्षेत्रों में पहले वनस्पति थी, लेकिन मानव ने इस क्षेत्र की वनस्पति का अतिदोहन किया और अतिदोहन करने के साथ में जो परिणाम सामने आया वो आया मरुस्थल के रूप में। मरुस्थलीकरण के जो कारण बताए जाते हैं वो तीन प्रकार के कारण हैं। एक है भौतिक कारक, एक है मानवीय कारक और एक है अन्य कारक। अगर हम इन कारकों की अगर बात करें तो यहां भौतिक कारक जो हैं उसमें जलवायु में परिवर्तन, अब जलवायु में परिवर्तन जैसे कहा कि राज्य में जो पर्यावरण में वन विनाश के कारण निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जो वन थे उनको काटा गया, वन्य क्षेत्रों को कम कर दिया गया, जिससे राजस्थान में जो वर्षा होती थी उसकी अवधि भी कम हो गई, समय भी कम हो गया और जो औसत वर्षा होती थी 1973 में अगर हम बात करें तो 101 थी वर्षा के दिनों की संख्या, और 2002 के आंकड़े लें तो यह संख्या घटकर 41 दिन रह गई। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जलवायु में परिवर्तन किस प्रकार से और राज्य के संदर्भ में रहा है और क्यों रहा है। और इसमें बताया कि वन विनाश कारण, वन विनाश किसने किया, मानव ने किया।
तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से मानव का योगदान जलवायु परिवर्तन में रहा और इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ वर्षा की जो मात्रा है वो घट करके कम हो गई। इस बात से भी हम पता लगा सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के इस संदर्भ में जो रेतीली आंधियाँ और जो तूफान आते हैं उनकी संख्या, उनका समय और उनका आवेग पहले की बजाय वर्तमान में काफ़ी बढ़ा है। तो जलवायु परिवर्तन में ये मुख्य कारक बनते हैं, इस प्रकार से मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है धूलिकण सिद्धांत। यह सिद्धांत की अगर हम बात करें तो धूलिकणों और वर्षा की मात्रा में विरोधात्मक संबंध पाए जाते हैं। धूलिकण कम होंगे तो बूंदों के लिए नाभिक केंद्र नहीं मिलते हैं, और अगर धूलिकण ज़्यादा होते हैं तो तदनुरूप स्थिति वर्षा की नहीं बनती है। तो ये एक विरोधाभासी एक संबंध है। तीसरा जो है क्षारीयकरण की अगर हम बात करें तो राज्य में जहाँ क्षारीयकरण की प्रक्रिया से जो उपजाऊ कृषि योग्य भूमि है वो क्षारीयता भूमि तेजी से वो परिवर्तित हो रही है। अगर हम सांबर झील के आसपास के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ जो क्षारीयता है वो उड़ उड़ के करके आसपास के क्षेत्रों में जाकर के जमा हो जाती है और धीरे धीरे उस भूमि को भी क्षारीय भूमि में बदलती जाती है और मरुभूमि में उसे परिवर्तित करती जाती है। नमी के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो वनस्पति की कमी, वर्षा की कमी, इन दोनों ही के कारण से एक तो पृथ्वी की ओर जो वर्षा है वो आकर्षित नहीं होती है और वनस्पति की नमी है, मृदा में नमी की कमी के कारण मरुस्थलीय जो अवस्थाएं हैं वो पनपती जाती हैं। भूमिगत जल स्तर में गिरावट, तो यहाँ जो वर्षा होती है राज्य में वो बहुत कम होती है और बहुत कम होने के कारण भूमि का जो जल स्तर है वो घटता जा रहा है। अगर राजस्थान के हम पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो 35 से 45 मीटर तक गिरावट आई है और जैसे जैसे जल स्तर नीचे जाएगा तो कुओं के द्वारा सिंचित नहीं होगी कृषि और वो भूमि बंजर भूमि के रूप में परिवर्तित होती चली जाएगी और ये मरुस्थलीकरण में यह प्रक्रिया सहायक होती है। अल्बेडो सिद्धांत की अगर हम बात करें तो जिन क्षेत्रों में वनस्पति आवरण मिलता ही नहीं है वहाँ जो भी नमी होती है तो वहाँ वाष्पीकरण की क्रिया जो है वर्षा जितनी होती है उससे ज़्यादा वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाती है और शुष्क दशाएँ व्याप्त हो जाती हैं जिससे मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। भूसरण और गाद की दर में वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो जो अरावली पर्वतमाला उसके जो समानांतर क्षेत्र में रेत के तीव्र प्रवाह के कारण रेतीली बंजर भूमि में अत्यधिक वृद्धि हो रही है और वनों की व्यापक कटाई के कारण अपरदन की क्रिया तेज होने के साथ साथ मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया भी तेज हुई है और वायु अपरदन के कारण से जो नदियों में जल, अगर किसी नदियों में और अन्य जो जल स्रोत हैं उनमें गाद की प्रक्रिया में बढ़ोतरी होती चली जाती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो वनस्पति की कमी से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का जो अवसरण पेड़ पौधे करते हैं, पेड़ पौधों की निरंतर कटाई होती चली जाती है तो ये क्या है, गैस वायुमंडल में फैल जाती है और वायुमंडल में फैलती है तो ये तापमान में वृद्धि करती है और जिस कारण तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की क्रिया तेज होगी
और परिणाम स्वरूप मरुस्थलीकरण परिस्थितियों में वृद्धि होती चली जाएगी। अकाल व सूखे की मार, तो यहाँ राज्य में अकाल और सूखा लगभग साथ साथ ही रहता है, और यहाँ आए 5 वर्ष में लगभग 3 वर्ष सूखे से प्रभावित होते हैं, और जहाँ सूखे से ये क्षेत्र प्रभावित होंगे वहीं मरुस्थलीकरण की जो क्रिया है वो तेज हो जाती है। वर्षा की मात्रा अगर हम बात करते हैं राज्य की तो बहुत कम है, औसत से भी कम वर्षा होती है यहाँ, और जिनकी वजह से यहाँ पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है तो शुष्कता की समस्या बढ़ जाती है, और इसी कारण से मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाती है। अगर हम मानवीय कारकों की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी वैसे वैसे भूमि पर आवास बनाने की प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी, सड़कें बनाने की प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी, और इसी की वजह से भूमि में कटाव की प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी, वनीय क्षेत्र में वनों पर दबाव पड़ेगा, भूमि पर दबाव पड़ेगा, तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है अपरदन को ये बढ़ावा देगा। ये जितना प्रोसेस होता है ये कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को तेज करता ही जाता है। अनियंत्रित पशु चराई, पशु संख्या में वृद्धि, वनों का ह्रास, घटिया भूमि पर खेती करना, घटिया भूमि का मतलब ऐसा है कि ऐसे क्षेत्रों में भूमि आप हलन की प्रक्रिया कर देते हैं जहाँ वर्षा ही नहीं होती है, और जहाँ वर्षा फिर वहाँ नहीं होती है तो वो जो भूमि है वो काफ़ी उसके जो मिट्टी के कण वो ढीले ढाले हो जाते हैं, और वहाँ की मिट्टी उड़ करके दूसरे क्षेत्रों में जा करके जमा होने प्रारंभ हो जाती है। तो एक तो वहाँ तो बंजर भूमि हो गई, दूसरी तरफ से रेत के कण दूसरी जगह अच्छी भूमि पर जाकर के जमा हो जाते हैं, तो वहाँ मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। बालू का भूमि उपयोग में परिवर्तन, जो भूमि उपयोग जो परिवर्तन है इसमें चारागाह कम होते गए, भूमि जो है उसमें कृषि क्षेत्र बढ़ता गया तो भूमि पर कृषि का दबाव भी बढ़ता गया, फलतः भूमि पर कृषि कार्यों का दबाव बढ़ने के साथ साथ अंततः मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। अगर हम बालू का स्तरों पर मकान, गांवों, सड़कों का जो जाल की अगर हम बात करें तो यहाँ जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास के लिए जमीनों का उपयोग बढ़ जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप बालू के टीलों और हवा के मार्ग और पानी के मार्गों को रोक करके मकान, गांव और सड़कें, रेल लाइनें आदि बनाई जाती हैं। परिणाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है कि बालू एवं बालू का स्तूप पुनः क्रियाशील हो उठते हैं, और वो धीरे धीरे इस मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। नगरीयकरण की अगर हम बात करें, नगरीयकरण और औद्योगीकरण ये दोनों ही जो प्रोसेस हैं ये मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं, और एक अतिचारण, अतिचारण में क्या होता है पशुओं की संख्या बढ़ती है, एक विस्तृत क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ पशु क्या है कि जो पौधे होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, धूप जैसी जो वनस्पति होती है उनको वो उखाड़ करके खा लेते हैं, चर लेते हैं, और जो भूमि जमी रहती है उसको वो ढीली ढाली बना देते हैं, जिससे उनके कण जो है वो उड़ते रहते हैं, अपरदन की क्रिया उस क्षेत्र में तेज हो जाती है। अन्य कारकों में हम अगर साक्षरता की बात करते हैं तो साक्षरता एवं जो सामाजिक आर्थिक संरचना है एक दूसरे पर आश्रित होती है, और जिनमें साक्षरता दर अधिक मिलेगी उस जन समूह में पर्यावरण के लिए चिंता मिलती है और चेतना उनमें सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो पारिस्थितिकी पर्यावरण का विकास करते हैं, आसपास में वृक्ष लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उनको संरक्षित करते हैं, उन पर ध्यान दिया जाता है। जन क्षेत्रों में अगर साक्षरता कम पाई जाती है वहाँ पर्यावरण के प्रति चेतना भी कम मिलती है, वहाँ के लोग अतिचारण करते हैं, वनों का विध्वंस कर लेते हैं, वनस्पति
आवरण अनावरण अति दोहन हलन आदि क्रिया को वो अपना लेते हैं, जिससे मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। मरुस्थलीकरण का राजस्थान के पर्यावरण पे प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ के पर्यावरण पे नहीं, यहाँ के मानव के जो जीवन है उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इसमें अरावली पर्वतमाला के जो विभिन्न अंतरालों से व्यापक रेत का बहाव हो रहा है, हवाओं से मृदा का तीव्र कटाव हो रहा है, मरुस्थल के प्रसार से वनों का विनाश हो रहा है, नदियों झीलों में गाद का भराव, भूमिगत जल स्तर में अत्यधिक कमी आती जा रही है, खाद्यान्न जो उत्पादन है उसमें कमी आती जा रही है, पेयजल के जो स्रोत हैं वो सूखते जा रहे हैं, जलाऊ लकड़ी का अकाल सा पड़ने लग गया है क्योंकि वनों की कटाई के बाद में जलाऊ लकड़ी कहाँ से मिलेगी, क्षारीय बंजर भूमि से भूमि का विनाश हो रहा है, चारागाह क्षेत्रों में कमी आती जा रही है, निरंतर अकाल की संभावना यहाँ बनी रहती है। तो इस प्रकार से जो राजस्थान का जो पर्यावरण है उस पर इस मरुस्थलीकरण का हमें प्रभाव दिखाई देता है। अगर मरुस्थलीकरण के रोकथाम के उपायों की अगर हम बात करें तो उसमें यहाँ राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण के जो उपाय है आज से नहीं, एकदम से नहीं उठ कर के सामने आए हैं, ये राजा महाराजाओं के समय से इस प्रकार के रोकथाम होते रहे हैं। अगर हम ज्वलंत उदाहरण की बात करें तो जोधपुर का जो खेजड़ली ग्राम था, अमृता देवी का रहा इसमें योगदान, जिसमें 363 व्यक्तियों ने वृक्षों की रक्षा के लिए जम्बोजी के सिद्धांतों की प्रतिपालना में अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी प्रकार जो रियासत काल में बांध तालाबों का निर्माण होता रहा है तो ये प्रक्रिया अक्षमात नहीं आई है, हालांकि राज महाराजा महाराजाओं के समय से ये चलती रही है। 1957 में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए मरुस्थलीय वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण स्टेशन जोधपुर की स्थापना की गई, जिसे मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी CAZRI के नाम से जानते हैं, ने मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को कम करने का प्रयास किया था। 1966 में मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई, जो बाद में सन 1974-75 में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP में सम्मिलित कर लिया गया था। अगर हम इसके रोकथामों की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो वर्तमान जो क्षेत्र है, मरु क्षेत्र है, उसमें जो जल अभाव की समस्या है उसको कैसे भी करके हल किया जाना चाहिए। रेतीली जो भूमि है उस पर सघन जो वृक्षारोपण है वो प्रक्रिया अपनानी चाहिए, वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या सेलेक्टिव जो प्रतिबंध वो लगाना चाहिए, ताकि लोगों को संसाधनों की आपूर्ति भी होती रहे, उनको समस्या भी नहीं आए और वन की जो वनीय जो क्षेत्र है उसमें भी वृद्धि होती रहे। भूभाग के एक तिहाई भाग में वन होने आवश्यक हों, सघन वृक्षारोपण पट्टी होनी चाहिए, ऊर्जा के अन्य संसाधनों का विकास किया जाना चाहिए ताकि वनों पर आधारित जो जलाऊ लकड़ी है उस पर निर्भरता कम हो, और राजमार्गों और अन्य स्थानों पर जो वृक्ष हैं वो लगाए जाने चाहिए, लोहे की बड़ी बड़ी जो चादरें हैं उनको लगाया जाना चाहिए ताकि तूफान के समय रेत बह करके न चले। रेतीली भूमि का उपयोग किसी न किसी रूप में करना चाहिए, उस पर इस प्रकार की वनस्पति का आवरण लगाना चाहिए जिससे वो जो रेत है वो उड़ करके नहीं चले। पशु संख्या पर नियंत्रण, तो जिन क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तेज है तो वहाँ पशु संख्या है उस पर नियंत्रण होना चाहिए, चारागाह क्षेत्रों की वृद्धि करनी चाहिए ताकि ऐसे क्षेत्रों में पशु चढ़ने न जाएं कि जहाँ मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तेज हो। जो इंदिरा गांधी नहर है, इस प्रकार की नहरें निकाल कर उस क्षेत्र में कृषि में जो खाद्यान्न उत्पन्न होता है उसके साथ साथ उनके अलावा पशुधन को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रोसेस अपनाकर मरुस्थलीकरण को हम रोकने के प्रयास कर सकते हैं।